सपना देखते थे भाई, सच में यार ये सपना था अपना। मतलब यहाँ पे इतने सारे सेलिब्रिटीज आ रखे हैं, सचिन तेंदुलकर, जंप इधर आ देख तू बैठे एक बार। कभी सोचा था? कभी सोचा था? मैंने तो नहीं। अजीब सा ही शहंशाह। तुम देखो ये आ गया अपना आलू पराठा 750 रुपए। हो यार बाप रे भाई, इतना महंगा में एक रात? आप भी देख रही फुल अमीर मामला। यार मैं वहां से बड़े खड़क चली। यार देखो इस वाली वीडियो में ना अपन जा रहे हैं भाई ताज होटल। बस यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, अपन अभी चर्च गेट के आसपास है, बस वॉकिंग में मतलब बस यही पे पास में ही अपना ताज होटल। ताज होटल में फुल स्टे करेंगे और लग्जरी रूम लेंगे, जिसे बोलते ना फुल महंगा वाला सी साइड। पहले तो मैंने धीरज को दिखाया था भाई ट्रेन में ही। धीरज ये बता वहाँ पे कितने टाइप है रूम के? 6-7 टाइप तो दिखाई दिए भाई सच में यहाँ, 6-7 टाइप रूम्स के। जितना मुझे याद है स्टार्टिंग 16,000 की थी। मुझे लगा ठीक है 16,000 में हो जाएगा बढ़िया, मतलब अपने 16,000 में सी साइड फेसिंग मिल जाएगा। फिर मुझे बाद में याद है नहीं नहीं बाबू ये ताज होटल है, ताज महल पैलेस। मैंने भाई फिर देखा 16,000 से तो स्टार्टिंग थी। रूम के रेट 75,000-80,000। अंकल जी ये आपकी मुंबई इतनी महंगी? बस सही में यार भाई मुंबई की महंगाई का ना अंदाजा मुझे ताज होटल के रेट देख पता लग गया। वैसे यहाँ पे सब कुछ ठीक लगता है, मतलब कपड़े के रेट भी सही है, बड़ा वो भी 10 का मिल जाता है, लेकिन ताज होटल 75,000-80,000 भाई। लेकिन इतना है कि अपन लग्जरी सी साइड फेसिंग वाला रूम लेंगे, तगड़ा मामला। तुम यार मैं ताज के अंदर का सीन दिखाऊं। और देखो कहीं ना कि यार मैं अपने मुंबई ट्रिप के लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि यार अपन ताज होटल में पहली बार स्टे करेंगे। मतलब पिक्चर बहुत देखा है भाई। भाई कितनी पिक्चर बनी है ताज के बाहर मूवी में? एक तो तुम लोगों को पता होगा 26/11 जो अटैक्स हुए थे ना, उसमें भी ताज मतलब कितना तगड़ा सीन हुआ था। अंकल जी क्या बोलना चाहोगे आप, थे उस वक्त यहाँ पे? उस वक्त थे मैं यहाँ। अच्छा बहुत तगड़ा हुआ था, फिर भी सब मिलजुल के खड़े थे पब्लिक अपने हिसाब से, कोई डरे नहीं थे इसे। अच्छा ये अंकल कौन सा है? ये ताजमहल होटल है। ये ताजमहल होटल है और वो ताजमहल पैलेस है। दो होटल है यहाँ पे, दो होटल है, एक पुराना एक नया। तुम देख लो मतलब ये नया वाला ताज होटल है और वो तुम जानते हो उसमें अटैक्स हुए 26/11 के, और अपन उसी में रुकेंगे। ठीक है भाई जरा पब्लिक को अपनी एक्साइटमेंट दिखा दे, कितना एक्साइटेड है तू भाई? जिस दिन बताया था ना चलो भाई कब चलना है, महंगी बातचीत हो गई आज। बहुत महंगी बात थी तो यार ये सपना देखते थे भाई, सच में यार ये सपना था अपना। एक दिन स्टे करेंगे स्टे हाँ। करेंगे आज हो गया यार भाई। तो यार देखो अभी का सीन ये कि ना मेरे सामने ताजमहल पैलेस है, तुम देख लो भाई। बस 5 मिनट की बात और है, अपन अंदर जाके फुल रूम में फुर्गत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने अभी जैसे मैं अंदर घुसा ना, मुझे भाई ने बोला कि यार इसमें ऑफलाइन बुकिंग नहीं हो रही, मतलब अपने को बुकिंग ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। तो तुम देखो मेरे सामने ये ताज की साइट है, ठीक है ताजहोटल.com, और यहाँ पे मैं ये वाला रूम लेने की सोच रहा हूँ, लग्जरी ग्रैंडे रूम सी व्यू, जो कि मुझे 21,000 रुपए का पड़ेगा। तुम देख रहे हो मतलब 21,000 रुपए का अपन रूम लेंगे, और बस मैं फटाफट से बुक करता हूँ। लेकिन यार मैं एक चीज देख रहा हूँ, अभी टाइम करीब 9:30 का हो रहा है, मतलब अभी सूरज भी नहीं आया, ठीक है, और देख रहे हो तो मजा आ रहा ना फुल गलत फीलिंग, जैसे बोलते ना फुल मुंबई कर फीलिंग आ रही है। तुझे आई थी गो, मतलब यहाँ पे इतने सारे सेलिब्रिटीज आ रखे हैं, सचिन तेंदुलकर, बराक ओबामा, इमरान खान, शाहरुख खान भी यहाँ पे भाई, हर कोई आ रहा है। और अब मास्टर बेडर भाई देखो, मतलब यहाँ पे ना शूट करना एम्बुलेंस का बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल है। तुम जानते हो ताजमहल पैलेस का पास्ट, तुम सबको पता ही है ना 26/11 अटैक्स हुए थे। तो बस इतना है कि हाँ अपन रूम में बढ़िया शूट कर सकते हैं। अभी लिफ्ट में तो लिफ्ट में तो कोई मना कर सकता है नहीं, तो लिफ्ट में आराम शूट करें। तुम देख लो अभी मेरा 3rd फ्लोर है, मेरा जो रूम नंबर है वो 355 है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई महल है सच में, मतलब ये मेरे जीवन का ना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आज। ये रहा अपना रूम 355। चलो अंदर चलते हैं, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मतलब हर जगह सेंसर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कार्ड चटाया और रूम खुल गया अपना। अरे वाह, हालेलुया, वल्ला हबीबी। तो यार भाई तुम देखो ये रहा अपना ताजमहल पैलेस का लग्जरी सी साइड रूम। तुम पहले व्यू देखो यार, इधर आ जाओ, मेरे जो सामने यहाँ पे प्रॉपर अपना सी है, और इधर देख लो भाई ये रहा अपना गेटवे ऑफ इंडिया, देख रहे हो भाई क्या सेक्सी भी आ रहा है, मतलब सच में यार कितना पास है भाई ये। ओ तुम देखो यहाँ पे सर अपना बैग भी लेके आए, ठीक है आइए सर, थैंक यू सर। और सर अरे ये प्राइवेसी डिस्टर्ब, इसके साथ क्या करूंगा मैं? अच्छा ये एंट्री और क्लीन का क्या है? ये एंट्री बोले तो हाउसकीपिंग है, क्लीन भी हाउसकीपिंग। ये दबाते ही वो आ जाएंगे मेरे पास? हाँ सर लाइट आ जाएगी। तुम फीचर देख रहे हो, मतलब ये क्लीन वाला बटन दबाते ही हाउसकीपिंग वाले समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे जरूरत है। तो देखो अभी मुझे सर एक्सक्लूसिवली रूम टूर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा तुम देख लो यहाँ पे सेफ भी है, ठीक है प्रॉपर लॉक है। अच्छा तुम देख लो यहाँ पे अपने पास स्लीपर्स भी है, ठीक है। तो भाई पहले तो यार मैं ये स्लीपर्स पहनूंगा। तो तुम देखो यहाँ पे ये फोम की चप्पल है जो की बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अच्छा ये केटल सब कुछ है यहाँ पे, टीवी है बहुत बढ़िया जो कि चल रहा है, क्योंकि मैं आज तक जब भी होटल में गया तब मैंने टीवी कभी चलते देखा नहीं।
ये क्या है सर? तो ये मिल्क है। तुम देखो यार क्या बाथरूम है, यहाँ प्रॉपर बाथटब है, ये नहाने वाला शॉवर वाला एरिया, यहाँ पे अपना कमोड। मैंने बाहर क्या बोला था, 21,000 ना, 21,000 नहीं 25,000, विद टैक्स मिला के ना मुझे 25,000 का पड़ा ये। और भाई 25,000 लोगों की सैलरी नहीं होती यार। देखो अपन बाहर रिलेटेबल करते हैं ना, 25,000 बंदों की सैलरी नहीं होती। अपन यहाँ पे एक होटल में 25,000 फूक रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ अपने लिए तो फूक रहे हैं, मतलब हाँ कि अपने एक्सपीरियंस हो, लेकिन तुम लोगों के लिए भी। हाँ तुम लोग भी देखो मेरे साथ, तुम लोग मजे लो, क्योंकि ब्लॉगर्स का काम ही है यार। मैं अगर घूम रहा हूँ तो मेरा काम क्या है कि साथ साथ तुम्हें भी घूमा। इमोशनल बातें बहुत हो गई ना, मजे करते हैं। जहाँ अपने को गद्देदार बेड मिलता है अपन मारते हैं जंप। ओए क्या कुशन है यार, फुल लगा इतने रात देख तू बैठे एक बार। कभी सोचा था मैंने तो नहीं, मैंने सही में नहीं सोचा था इतना यार। थैंक यू भाई यार। अरे यार भाई धीरज की एक्साइटमेंट देख रहे हो यार, मतलब बैठ के आराम से पूरा एक दिन ना राजा की तरह, सही में राजा की तरह रहेंगे आज, एक दिन तो निकल जाएगा। खुशी देख रहे भाई, इस खुशी के लिए एक लाइक तो बनता है यार, देख रहे हो। हसी बोल सा ही शहंशाह आगा बहजा बहजा, लिरिक्स बुझाती नहीं है ठीक है, लेकिन तुम फील देखो, मतलब तुम्हारा भाई प्रॉपर फील में बाथरूम अपन ने पा लिया है, चश्मा वश्मा पा के। मतलब अब मेरा काम के देखो, अब अपन बाथरूम में जाएंगे और प्रॉपर मैं इंस्टाग्राम के लिए लैविश स्टोरी बनाऊंगी। हां हैशटैग के साथ की लग्जरी लाइफस्टाइल, देख लो फुल मास्टर बटर का इन्फ्लुएंसर है ना अपन। देखो यहां पे रूम डाइनिंग के लिए एक स्कैन दे रखा है ठीक है, मैंने स्कैन किया और मैं सही बता रहा हूं, स्कैन करने का जो मेरे सामने मेन्यू आया ना, उससे ज्यादा महंगा मेन्यू मैंने आज तक नहीं देखा। तुम यार पिज्जा के रेट्स देखो कितने ज्यादा, देख रहे हो, तुम्हें देख के पता लग जाएगा भाई कितना महंगा मामला है। देख रहे हो 1,000 से नीचे की तो चीज ही नहीं है, छोटी मोटी चीज भी इनकी 500 चालू हो रही है। देखो तो चलो फटाफट से अपन कुछ ऑर्डर करते हैं, मतलब सुबह से मैंने यार नाश्ता भी नहीं किया। तुम देखो ये आ गया अपना आलू पराठा 750 रुपए, होममेड पैनकेक 850 रुपए, 3 egg ऑमलेट इतुसा ये है 900 रुपीज प्लस टैक्स। मतलब यार मैं ना छाती ठोक के बोलता हूँ, मेरे जीवन का सबसे महंगा ब्रेकफास्ट यही है ठीक है। भाई बिल कितना हुआ? 3,552, 3,500 के आसपास बिल है इस खाने का। कहीं ना कि यार एकदम लग्जरी फीलिंग है ठीक है। तो भाई आप कितने साल से काम कर रहे हो यहाँ पे? 10 साल से काम कर रहे हो। अच्छा तो आपको तो बहुत कुछ पता होगा शुरू कार में यार, कुछ बताओ ना पब्लिक को, मतलब मजा आ जाए। होटल ओल्डर देन गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया से भी ओल्डर है। yes, आओ चालू करते हैं 750 रुपए के आलू पराठे से ठीक है। मुझे आते हैं 40 वाले पराठे खाने की, एक दिन के लिए बहुत है इतना। भाई मैं सोचता हूँ जब मैं निकलूंगा ना कल सुबह यहाँ से, लुट चुकाऊंगा मिसल पाओ और दाबेली, ये खा के पूरा दिन निकाल दूंगा मैं। इनके जो आलू के चोखे पर टेक्सचर है ना, पता लग रहा है कि हाँ किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना है। सॉफ्ट तो यार काफी, और नमक भी इन्होंने काफी कम डाल रखा है। तुम पास देखो कुछ ऐसा दिखता है। Can I get a hoya? दोनों मैडम की ले ली सही में। तो देखो अपने अभी एक अलग शूट करके आए ठीक है, वो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो पता लगेगा कि अपन कहां गए थे। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपन ने ऐसी जगह शॉपिंग करी ना भाई, तुम सबको उस जगह का नाम बताया, मतलब बचपन से तुम सबने बचपन से वो जगह देखी है फुल। भाई क्या बोलना चाहेगा भाई, वर्ल्ड वाइड 13 साल हो गए भाई, सब देखी जा रहे बचपन से। बस तुम्हें इतना हिंट मेरे ख्याल से बहुत देना है ना, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। अपन ने कहां शॉपिंग करी, क्या क्या शॉपिंग करी। अरे तू इतना महंगा होटल में रुका है, बाप रे। माँ तुझे पता है 25,000 रुपए की टिकट है यहाँ की? बाप रे भाई इतना महंगा में एक रात। मैं देख रही फुल अमीर मामला, यहाँ पे मेरे रूम से व्यू देख तू यार, तू देख रहा सामने गेट ऑफ इंडिया। देख ये अपना बेड है, यहाँ पे धीरज धीरज है। और मैं तुझे बाथरूम दिखा दू, बाथरूम देख कितना सही है, यहाँ पे शीशा लगी है। ना ना अब अभी नहीं नहाया, मेरा मन नहीं हो रहा अभी नहाने का। बिना नहाए पहला था ना, नहीं देख देख सामने देख, देखो 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 ये देखो छोटे वाले को, मैं ऐसे प्यार नहीं करता, मेरा फेवरेट नॉडी है। हाँ काट काट नॉडी काट लो उसे, ये देखो इनकी बच्चे देवी भी चली, देख रहे फुल। देखो अभी का सीन ये कि मैं स्पेशली चौमिन खाने के लिए नीचे आऊँ ठीक है, तुम देख लो इसके अंदर अपनी चौमिन है और साथ में यहाँ पे पानी की बोतल, और सर के साथ अपन चौमिन खाएंगे। सर कैसे हो आप? ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ मतलब यहाँ पे बहुत सारे पुलिस अफसर यहाँ पे मतलब ड्यूटी पे है, रहते नहीं लॉकडाउन की वजह से। एक चीज है सर यहाँ पे मतलब फुल ठंडी ठंडी हवा, एक थोड़ा सुकून तो है।
और देखो मतलब इतनी सही हवा में ना एक ब्लॉग करने का मजा भी अलग आ रहा है, फील अलग है। ऊपर तो थोड़ा मैं बोर हो गया था, एक रूम में इंसान कितना फन कर लेगा है ना, टीवी देख लेगा ज्यादा, टीवी तो मैं देख ही रहा था, खाना खाने पर नीचे आ गए थे ना भाई। 12 बज रहे हैं अभी और 12 बजे भी ना गाड़ी का फुल फ्लो है यहाँ पे 12 बजे भी। तो जैसा मैंने सुना था कि यार मतलब मुंबई रात में भी नहीं सोती, ये बात सही है। तो देखो अभी अपन थोड़ी वॉक कर रहे हैं ना, मतलब चौमिन अपन ने फुल पार लिया है थोड़ा, मतलब पेट पूजा के बाद वॉक जरूरी होता है। एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार दिल्ली की नाइट वॉक और मुंबई की नाइट वॉक में ना बहुत डिफरेंस है। मतलब दिल्ली में मुझे ऐसी फुल तगड़ी हवा का फील नहीं होता, यहाँ पे क्या मतलब इतनी सही हवा चल रही है, फुल सुरूर वाली हवा, टाइम हवा चल रही है, ये रुकी नहीं रही। नेक्स्ट मॉर्निंग अभी यार टाइम करीब 11:15 हो रहे हैं और मतलब अपना चेकआउट ही 11 बजे का था, इन लोगों का फोन नहीं आया तो अपन फायदा उठा रहे फिलहाल। यहाँ पे नींद इतनी गहरी आई ना मतलब सच में तो बेहोश होकर सोया था और मजा आ गया, ठीक है। बाकी तुम देख लो ये रही अपनी कुछ ठंडी कोल्ड कॉफी और बस यार अब अपन फटाफट से अपना सारा सामान पैक करेंगे, मैं कपड़े चेंज करूंगा और यहाँ से मुझे चेकआउट करना है। मतलब देखो इस वाली वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तुम लोगों को भाई गया मतलब ताज का पूरा एक्सपीरियंस कैसा लगा मुझे जरा पब्लिक कमेंट्स में जरूर बता देना। बाकी अगर तुम मुझे पर्सनली पूछो ना यार नाम है इसलिए मतलब मैं आ गया, वरना तो यार 25,000 लाइक तो कुछ मुझे खास लगा नहीं। बाकी चलो इस वीडियो को भी लाइक मार देना, मतलब देखो इतना खर्चा किया है यार, लाइक मार दो। कमेंट्स में तुम लोगों को बताना है कि हाँ ये वीडियो कैसी लगी, तुम्हें ये सीन कैसा लगा ताज होटल का। बाकी अगर तुमने मेरा चेहरा पहली बार देखा है इस चैनल पे, पहली बार ही तुम आयो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार अपनी मुंबई की सीरीज ना बहुत खतरनाक आने वाली है। मतलब आने वाले जो व्लॉग्स है ना ओए जो खतरनाक लाइनअप कर रहा है अपन ने, जितने शूट में मुंबई करने आयो ना भाई वो सब मेरे दिल के बहुत पास। तो बस कल वाली वीडियो का वेट करना, घंटे का ऑप्शन डालना, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मास्टर बटन ने अपलोड कर दिया। पहले वीडियो देखते हैं, देख रहे हो गया धीरे बोलूंगा तो सब हो जाएगा, कभी कभी तेज में निकल नहीं पाता, ठीक है। तो यार मैं मास्टर बटर मिलता हूं आपसे अगले में, तब तक के लिए गुड बाय। दे चिंगारी ना तेरा भाई कह रहा गैरो सीने सीन गेड़ा गेड़ा सीने 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 ए सीन गेड़ा गेड़ा सीने 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 सीने।